छतरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के शीघ्र निर्माण सहित नए सत्र के लिए कक्षाएं प्रारंभ करने और जिला अस्पताल छतरपुर में अस्थायी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने की मांगों के साथ 15 अप्रैल से चल रहा क्रमिक अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। छतरपुर के छत्रसाल चौक पर चल रहे इस क्रमिक अनशन में 10वें दिन छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पहुंचे। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने मेडिकल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहे इस अनशन के दौरान स्थानीय लोगों से कहा कि इस आंदोलन को पुनः जनता को मजबूरी में शुरू करना पड़ा है, क्योंकि भाजपा की सरकार 2018 से छतरपुर की जनता को गुमराह कर रही है। मेडिकल कॉलेज का जो ये आंदोलन पुनः शुरू हुआ है, ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है और सरकार ने जिस तरह का छलावा छतरपुर के साथ किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 18 में जब आधी रात को यहाँ पर शिलान्यास किया गया था, तभी इस बात की शंका थी कि ये निर्माण ये चोरी चोरी छुपे छुपे क्यों मेडिकल कॉलेज की घोषणा की जा रही है, और ये आज स्थिति निर्मित है कि लगभग 5 साल होने को हैं और मेडिकल कॉलेज की एक ईंट भी नहीं रखी गई है। इसमें दोषी जो भी व्यक्ति हैं, जब शासन ने बजट मंजूर कर दिया, ठेकेदार नियुक्त कर दिया, तो फिर निर्माण में देरी क्यों? जो भी कारण इसमें सामने हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और छतरपुर की जनता की ये मांग है कि हमारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो और यहाँ पर जब तक निर्माण कार्य हो तब तक यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएं, किसी भी बिल्डिंग में मेडिकल के प्रथम वर्ष की शुरुआत हो जाए। देखिए, जो निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई और उस समय इस भूमि के ऊपर एक स्थगन आदेश था और उस स्थगन आदेश के चलते टेंडर नहीं हो पाए और निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई। ये विधानसभा में मेरे ध्यानाकर्षण के जवाब में सरकार के द्वारा ये जवाब प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ उनका कहना था कि 2 साल कोरोना का काल रहा, इसलिए ये हम आपके मेडिकल कॉलेज की शुरुआत नहीं करा पाए। लेकिन अब करीब करीब 1.5 से 2 साल निकल गया है, जब ये बजट हमको स्वीकृत हो गया और निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी स्वीकृत हो गई, तो फिर ये निर्माण क्यों अटका पड़ा है? इसमें लापरवाही किसकी है, प्रशासन की है कि शासन की है? और इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो छतरपुर का मेडिकल कॉलेज चाहिए। छतरपुर की जनता के साथ धोखा नहीं चाहिए, छलावा नहीं चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए। आपने सदन में भी मुद्दा उठाया था, बताया मैंने कि ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी उठाया, प्रश्न के माध्यम से भी उठाया, तमाम तरह से इस मुद्दे को मेडिकल कॉलेज के मैंने बार बार उठाया, पत्रों के माध्यम से भी लिखा, और लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि बगैर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले को बड़ी सरलता से मेडिकल कॉलेज मिल जाता है और छतरपुर की जनता जो सड़कों पर बार बार निकल रही है, लड़ रही है, उसको मेडिकल कॉलेज देने में इस सरकार को कौन सी परेशानी है, कौन सी दिक्कत है? कोई ये छतरपुर की जनता की कौन सी परीक्षा लेना चाहती है, ये बात समझ के परे है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में छतरपुर की तत्कालीन शिवराज सरकार ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर दिया था, लेकिन लगभग 5 साल होने के बावजूद छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार नहीं हो पाया है। 10वें दिन इस अनशन में सैन समाज, स्वतंत्रता संग्राम उत्तराधिकारी संगठन, रोटरी क्लब, योग वेदांत सेवा समिति और मेडिकल संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने धरना दिया। अभी तक हम लोगों का एक ही नारा था कि 9 दिन हो गए हैं, आज 10वां दिन है, लेकिन किसी भी पार्टी का, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी नेता ने यहाँ आकर के हमारा दुख दर्द शेयर नहीं किया, ना ही साथ देना, तो बहुत दूर की बात, यहाँ आकर के पूछा नहीं। लेकिन आप यहाँ पर आए, आज हमारा ताकत 100 गुनी बढ़ गई और हमें ये विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से अब हमें सफलता मिलने में देरी नहीं होगी।